फ्लोफुलटोस गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत की जा रही है। देखिए प्रारंभिक जोड़ी के रूप में केयूर गामित, नौ स्ट्राइक एंड पर दिनेश गामित। गेंदबाजी की जिम्मेवारी पहले ओवर से संभाल रखी है अविनाश गामित ने। आज के दिन का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच बेलाटन फाइटर वर्सेस लायंस पोटसोनगढ़। फ्लोफुलटोस गेंद इस बार पुल स्ट्रोक के लगाया, गेंद जा रही है वहां पर डिप स्क्वायर लेग के स्थान पर। क्या खूबसूरत फील्डिंग देखी हिमांशु द्वारा। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए तीन रन बचाए जा रहे हैं। इस एक रन के साथ बेलाटन फाइटर्स ने अपना खाता खोला है। अब इस बार दिनेश गामित शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी हल्के हाथों से दिशा दिखाई गई, गेंद जा रही है वहां पर शॉर्ट कवर के स्थान पर। क्या खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर। इसे एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर दो रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर, गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है अविनाश गामित ने। इस बार फुलर लेन डिलीवरी, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। यॉर्कर लेन डिलीवरी की गई, देखिए एक डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद। काफी अनुभवी गेंदबाज अविनाश गामित लायंस स्पोर्ट्स की ओर से। इस बार क्या खूबसूरत स्वीप किया गया, गेंद गई वहां पर डिप स्क्वायर लेग के स्थान पर। छह रनों का इशारा अंपायर्स द्वारा। इन छह रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आठ रन। पारी का यह प्रारंभिक ओवर, पहले टॉस जीता गया है लायंस स्पोर्ट्स की ओर से। गेंदबाजी का निर्णय लिया गया है, आमंत्रित किया गया बेलाटन फाइटर्स को पहले बल्लेबाजी के लिए। एक और फुल टॉस गेंद, फिर से वही स्वीप किया गया। इस बार वन बाउंस, चार रनों का इशारा एम्पायर्स द्वारा। चार रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। खूबसूरत बल्लेबाजी वहां पर केयूर गामित द्वारा। पहले ओवर से 12 रन एकत्रित किए गए बिना किसी विकेट के नुकसान पर बेलाटन फाइटर्स। विश्वजीत 11 और मान्या 11 ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल्स के लिए। आज का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच, जो मैच इसको जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए। यूसुफ गामित को शामिल किया गया है दूसरे क्रम के महत्वपूर्ण गेंदबाज के तौर पर। कोटे का उनका यह पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क पर। इस बार दिनेश गामित स्ट्राइक पर है, नौ स्ट्राइक एंड पर केयूर गामित। रिवर्स ही अटेम्प्ट करना चाहा, पैरों से टकराती हुई गेंद डॉट गेंद के साथ। देखिए ओवर की शुरुआत की जा रही है यूसुफ गामित द्वारा। रुका हुआ स्कोर इस बीच 12 रन। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी कट किया गया है डीप एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। फील्डर जरूर मौजूद है, कैच भले ही ड्रॉप हुआ है लेकिन तीन रन जरूर बचाए गए वहां पर अंकुर द्वारा, डीप एक्स्ट्रा कवर्स के फील्डर द्वारा। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। इस बार स्ट्रेट ड्राइव किया गया, गेंद गई वहां पर मिड ऑफ के स्थान पर। क्या खूबसूरत फील्डिंग देखी अविनाश द्वारा। अभी भी रुका हुआ स्कोर 13 रन। पारी का ये ओवर नंबर दो।
ऑफलाइन डिलीवरी इस बार व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा दिशा से पटके अतिरिक्त रन जोड़ी जाएगी स्कोर कार्ड पर। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। इस बार लो फुल टॉस गेंद, क्या खूबसूरत स्वीप किया गया, स्ट्रॉक स्वीप डीप मिड विकेट के ऊपर से। 6 रनों का इशारा अंपायर द्वारा। इन 6 रनों के साथ बेलाटन फाइटर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। पारी का ये ओवर नंबर 2 गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है यूसुफ गामित ने। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी इस बार कट करने का प्रयास जरूर किया गया। बल्ले से दूर रहती हुई गेंद, डॉट गेंद के साथ देखिए वापसी की जा रही है यूसुफ गामित द्वारा। रुका हुआ स्कोर 20 रन। फुलर लाइन डिलीवरी, क्या खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, गेंद गई वहां पर स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 6 रनों का इशारा अंपायर द्वारा। इन 6 रनों के साथ इस बीच ओवर की समाप्ति। बेलाटन फाइटर स्कोर जा पहुंचाए 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रन। अब पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन खोल दिए जाएंगे, 5 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा 30 गज के दायरे के बाहर। अंकुर आए हैं तीसरे क्रम के महत्वपूर्ण गेंदबाज के तौर पर लायंस स्पोर्ट्स की ओर से। पहले 2 ओवरों से 26 रन बटोरे गए हैं बेलाटन फाइटर्स की ओर से। अब इस बार दिनेश गामित मौजूद है क्रीज पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर केयूर गामित। इस बार लो फुल टॉस गेंद, क्या खूबसूरत स्वीप किया गया, गेंद गई वहां पर डीप फाइन लेग के क्षेत्र में। 6 रनों का इशारा अंपायर द्वारा। 6 रनों के साथ स्वागत किया जा रहा है अंकुर का दिनेश द्वारा। इन 6 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32, 32 रन। इस बार स्ट्रेट ड्राइव, गेंद गई वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, देखना होगा, सुनिश्चित किया गया वहां पर विकेट है, यहां पर महत्वपूर्ण विकेट का पतन होता हुआ। 32 रनों पे लगने वाला ये पहला झटका बेलाटन फाइटर्स को दिनेश के रूप में। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पर अंकुर द्वारा, विकेट के साथ वापसी की जा रही है। देखिए पहली गेंद पे 6 रन जड़े गए, दूसरी गेंद पे सफलता हासिल की गई, दिनेश को चलता क्या।
प्रताप चौधरी को शामिल किया गया है नए बल्लेबाज के तौर पर बेलाटेन फाइटर्स की ओर से। इस बार भारी किनारा लगा, गेंद गई वहां पर फर्स्ट स्लिप के स्थान पर, कोई रन नहीं। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पर अंकुर द्वारा। पारी का ये ओवर नंबर 3। एक और फुलर लेन डिलीवरी, इस बार गेंद जा रही है वहां पर शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर, विपुल मौजूद। जब तक कि फील्ड किया गया और आर्म थ्रो दिया जाए तब तक एक रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास जरूर किया। टप्पा खाने के बाद पैरों से टकराई गेंद, डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद, रुका हुआ स्कोर 33 रन। पारी का ये ओवर नंबर 3। इस बार गुड लेंथ डिलीवरी, ड्राइव किया गया, देखिए वहाँ पर हल्की सी मिस फील्ड हुई, उतनी ही तेजी से वापसी की गई वहाँ पर। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34। 3 ओवर की समाप्ति पर बेलाटेन फाइटर्स 34, 1 विकेट के नुकसान पर। फुलर लेन डिलीवरी, इस बार कट किया गया, गेंद जा रही है देखिए वहां पर डीप कवर के स्थान पर। हिमांशु गामित चौथे क्रम के महत्वपूर्ण गेंदबाज कोटे का, उनका यह पहला ओवर, पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क पर। इस बार सामने प्रताप चौधरी, नॉन स्ट्राइक एंड पर है केयूर गामित। फुलर लेन डिलीवरी, क्या खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है, देखिए यॉर्कर लेन पर गेंदबाजी की जा रही है हिमांशु गामित द्वारा। रुका हुआ स्कोर 35, 35 रन। गुड लेंथ डिलीवरी, इस बार क्या खूबसूरत पुल स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पर काउ कॉर्नर के ऊपर से, 6 रनों में तब्दील होती हुई गेंद। इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 41, 41 रन।
कूलर लैंड डेलिवरी एक बार इस बार काफी ऊंची गई है, 6 रन से नहीं रोक पाएंगे। देखिए क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया वहां पर प्रताप चौधरी द्वारा, बैक टू बैक ये दूसरा सिक्सर, स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया गया, क्या खूबसूरत कैच फर्स्ट स्लिप के स्थान पर, यह महत्वपूर्ण विकेट प्रताप चौधरी के रूप में, 47 रनों पर लगने वाला है दूसरा झटका बेलाटेन फाइटर्स। खूबसूरत सफलता ली गई वहां पर हिमांशु गामित द्वारा। योगेश को शामिल किया गया है नए बल्लेबाज के तौर पर बेलाटेन फाइटर्स की ओर से। पिछला विकेट गिरा 47 रनों पे प्रताप चौधरी के रूप में। खूबसूरत सफलता ली गई वहां पर हिमांशु गामित द्वारा। पारी का ये ओवर नंबर 4। इस बार जड़ों में डाली हुई गेंद स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास जरूर किया, इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48-48 रन। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर क्या पहुंचा है 48-48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बेलाटेन फाइटर्स।
अंकुर रहे हैं कोटे का दूसरा ओवर, पारी का पांचवा ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर। स्कोर जा पहुंचा है 48 दो विकेट के नुकसान पर। इस बार योगेश स्ट्राइक पर है, नौ स्ट्राइक एंड पर केयूर गामित। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की जा रही है। रुका हुआ स्कोर 48 48 रन। आगे आगे खेलना चाहा, अपील की जा रही है। क्या खूबसूरत स्टंपिंग की गई, देखिए वहां पर मुन्ना गामित द्वारा। इस प्रकार 48 48 रनों पर लगने वाला है तीसरा झटका। अर्पित को शामिल किया गया है नए बल्लेबाज के तौर पर बेलाटेन फाइटर्स की ओर से। इस बार हल्के हाथों से दिशा दिखाई गई, गेंद जा रही है वहां पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। जब तक कि फील्ड किया जाए हिमांशु द्वारा, तब तक एक रन काफी तेजी से लिया गया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 49 रन। पारी का ये ओवर नंबर 5। गेंदबाजी की जा रही है अंकुर द्वारा। कोटे का उनका ये दूसरा ओवर किफायती गेंदबाजी की गई है अब तक अंकुर द्वारा। इस बार गेंद जा रही है, देखिए वहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान पर केवल एक रन। इस एक रन के साथ बेलाटेन फाइटर्स 50 रन पार करती हुई। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी देखिए इस बार वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, दिशा से भटके। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 51 रन। इस बार बाहरी किनारा जरूर लगा था, देखिए वहां पर भाग्य का सहारा मिलता हुआ टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकलती हुई गेंद। स्कोर इस बीच रुका हुआ 51 51 रन। इस बार क्या खूबसूरत कट किया गया, गेंद गई वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। इस बीच ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति पर बेलाटेन फाइटर्स 52 52 रन तीन विकेट के नुकसान पर। अविनाश है कोटे का अपना दूसरा ओवर, पारी का छठा ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर। सामने अर्पित, नौ स्ट्राइक एंड पर केयूर। इस बार क्या खूबसूरत पुल किया गया है, गेंद हवा में जरूर है, देखना होगा
ये बेहतर कैच लिया गया। देखिए पहली गेंद पे सफलता हासिल की जा रही है अविनाश द्वारा। इस बार अर्पित को चलता किया। इस प्रकार 52 52 रनों पर लगने वाला ये चौथा विकेट बेलाटेन फाइटर्स। बैट्समैन नेम प्लीज। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, लेग ब्रेक गेंदबाजी। देखिए टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई गेंद डॉट गेंद में तब्दील होती हुई। रुका हुआ स्कोर 52। पारी का ये ओवर नंबर 6। गेंदबाजी पर है अविनाश। फुलर लेंथ डिलीवरी। इस बार हल्कियतों से ड्राइव किया गया, दिशा दिखाई गई, गेंद गई वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 53। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी। इस बार कट करने का प्रयास जरूर किया गया। मिस फील्ड होती हुई गेंद गई वहां पर लॉन्ग स्टॉप नौ के दिशा में। चार रनों का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57। एक और बार फुलर लेंथ। इस बार क्या खूबसूरत ड्राइव किया गया है। देखिए रन बचाए जा रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58। 58 रन। क्या खूबसूरत अपील की जा रही है। देखिए वहां पर फुल स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया गया था। खूबसूरत वहां पर कीपिंग मुन्ना द्वारा। इस बार 6 ओवरों के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 58। 5 विकेट के नुकसान पर पिछला विकेट गिरा तेजस के रूप में स्टंप आउट हुए। बेहतरीन विकेट कीपिंग वहां पर मुन्ना द्वारा। ओवरों के बाद रुका हुआ स्कोर बेलाटेन फाइटर्स 58। 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लॉ फुलटोस गेंद। क्या खूबसूरत पंच किया गया है। देखिए टप्पा खाने के बाद बाहर जाती हुई गेंद लेग लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। चार रनों का इशारा अंपायर द्वारा। इन चार रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 62। 62 रन। हिमांशु है कोटे का अपना दूसरा ओवर पारी का यह 7वां ओवर लेकर। एक
एक और बार स्ट्रेट ड्राइव देखिए, लॉफ्टेड ड्राइव, 6 रनों में तब्दील होती हुई गेंद, इन 6 रनों के साथ बेलाटन फाइटर्स 68। स्कोर जा पहुंचा है 58-68 रन। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी देखिए की जा रही है वहां पर केयूर गामित द्वारा। निजी 41 रनों पे बल्लेबाजी की जा रही है केयूर द्वारा। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी इस बार है, पुल करना चाहा जरूर, दिशा से भटके वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, अतिरिक्त रन जोड़ी जाएगी स्कोर कार्ड पर। इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ स्कोर 69-69 रन। पारी का ही ओवर नंबर 7, गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी इस बीच हिमांशु गामित ने। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी इस बार काफी ऊंची गई है, यहां पर कैच ड्रॉप हुआ, मिस फील्ड, 4 रनों का इशारा अंपायर द्वारा। देखिए एक मौका जरूर बना था वहां पर, हल्की सी दूर चली गई गेंद हवा के दिशा में। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73-73 रन। अब केयूर गामित खेल रहे हैं निजी 45-45 रनों पे, केवल 5 रन दूर अपने अर्धशतक से। इस बार स्पाइन का एज लगा, देखिए टाइम नहीं कर पाए इस बार गेंद को, स्लोअर डिलीवरी। 73 रनों पर लगने वाला यह महत्वपूर्ण झटका केयूर गामित के रूप में, यह छठा विकेट, 19 गेंदों में 45-45 रनों का योगदान दिया गया अपनी टीम के लिए। एक महत्वपूर्ण पारी खेली गई प्रारंभिक जोड़ी के रूप में आए थे। बैट्समैन नेम प्लीज। गणेश आए हैं नए बल्लेबाज, बॉटम ऑर्डर के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है गणेश। डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद, रुका हुआ स्कोर 73। इस बार काफी ऊंची गई गेंद, डीप मिड विकेट के स्थान पर फील्डर मौजूद है, खूबसूरत कैच वहां पर देखिए। इस प्रकार 73 रनों पर लगने वाला यह 7वां झटका बेलाटन फाइटर्स, बिना खाता खोले इस बार गणेश को चलता किया। इस बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर रुका हुआ 73 रन, 7 विकेट के नुकसान पर बेलाटन फाइटर्स। हितेश गामित आए नए बल्लेबाज बल्लेबाज के तौर पर। इस बार रिवर्स स्वीप खेला गया, क्या खूबसूरत कैच, एकदम तेज कैच लिया गया, देखिए वहां पर शॉर्ट पॉइंट के स्थान पर, क्या खूबसूरत कैच।
बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर यूसुफ गामिद द्वारा, उतने ही बेहतरीन कैच लिया गया शॉर्ट पॉइंट के स्थान पर विपुल द्वारा। इस प्रकार 73 रनों पर लगने वाला यह आठवां झटका बेराटन फाइटर्स। न्यू बैट्समैन पाउल गामित आए हैं। लॉफुल टॉस के अंदर इस बार गेंद जाती है वहां पर फाइन लेग के स्थान पर, जब तक कि फील्डिंग अच्छी की गई है। तीसरे रन की मांग की जा रही है, देखिए रन आउट होते हुए वहां पर दो रन काउंट किए जाएंगे स्कोर कार्ड पर। इस प्रकार 75 रनों पे लगने वाला ये नौवां झटका। पारी का अंतिम ओवर, गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच संभाल रखी है यूसुफ गामिद ने। सेल्विन गामिद आए हैं नए बल्लेबाज बेलाटन फाइटर्स की ओर से। इस बार स्वीप शॉट खेला गया है, गेंद जा रही है वहां पर स्क्वायर लेग के स्थान पर, केवल एक रन। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन। इस बार टप्पे से पिक के हुआ गेंद को गेंद जा रही है वहां पर काउ कॉर्नर की दिशा में। चार रनों का इशारा अंपायर द्वारा, इन चार रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 80 रन। अब पारी की अंतिम दो गेंदें सामने बल्लेबाज पाउल। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी कट किया गया है, गेंद जा रही है वहां पर डीप पॉइंट के स्थान पर। चार रनों का इशारा अंपायर द्वारा, इन चार रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 84-84 रन। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी देखिए पाउल द्वारा, अपना डोमेस्टिक क्रिकेट पीपड़कुआ की ओर से खेलते हैं। इस बार स्टेप आउट करके खेला है, गेंद जा रही है वहां पर काउस कॉर्नर की दिशा में, मिस फील्ड हुई। देखिए चार रनों के साथ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम ओवर काफी महंगा, इस प्रकार निर्धारित आठ ओवरों में बेलाटन फाइटर्स के द्वारा बनाए गए 88 रन 9 विकेटों के नुकसान पर लक्ष्य दिया गया है 89-89 रनों का।
पहले बल्लेबाजी करते हुए बिलाटेन फाइटर्स द्वारा बनाए गए 88 88 रन, लक्ष्य दिया गया 89 89 रनों का। पहली गेंद रिवर स्वीप काफी ऊपर गई है, चार रनों के साथ खाता खोला जा रहा है। देखिए वहां पर मयंक द्वारा प्रारंभिक जोड़ी के रूप में मयंक और अंकुर सामने गेंदबाज की ओर चार रनों के साथ स्वागत किया गया है। पहली गेंद पे चार रनों के साथ खाता खोला जा रहा है वहां पर लायंस स्पोर्ट्स द्वारा। एक और रिवर्स स्वीप, इस बार डीप पॉइंट के ऊपर से छह रनों में तब्दील होती हुई गेंद। इन छह रनों के साथ लायंस स्पोर्ट 10 रन। प्रारंभिक ओवर की केवल दो गेंदें हुई है। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी देखे वहां पर मयंक द्वारा। डीप थर्ड मैन के स्थान पर फील्डिंग की जा रही है अर्पित द्वारा। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये 30 गज के बाहर की फील्ड। यॉर्कर लैंड डिलीवरी इस बार ऊंची गई है, नीचे हितेश मौजूद। क्या खूबसूरत कैच लिया गया देखिए। थर्ड पॉइंट के फील्डर हितेश द्वारा इस प्रकार 10 रनों पे लगने वाला यह पहला झटका लायंस स्पोर्ट्स पीछा किया जा रहा है 89 रनों का। खूबसूरत विकेट लिया गया, पहली दो गेंदों में 10 रन खर्च किए गए, तीसरी गेंद पर सफलता हासिल की गई केवर गामित द्वारा। बेहतरीन कैच लिया गया शॉर्ट पॉइंट के फील्डर हितेश द्वारा। ऊपरी क्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज यूसुफ गामित को शामिल किया गया है लायंस स्पोर्ट्स की ओर से। स्वीपर कवर के स्थान पर पाउल, शॉर्ट गली के स्थान पर हितेश, डीप कवर के स्थान पर अर्पित, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर पाउल को शामिल किया गया। देखिए ये ऑफ साइड की फील्ड की सजावट। स्लोअर डिलीवरी देखिए क्या खूबसूरत, इनसाइड एज विक्टो से झटक रही गेंद। 10 रनों पे लगने वाला है दूसरा महत्वपूर्ण झटका लायंस स्पोर्ट्स को। बैक टू बैक दो विकेट चटका चुके हैं केयूर गामित, ब्रेस विकेट ले चुके हैं, अब हैट्रिक बॉल पर रहेंगे। बेहतरीन वापसी की जा रही है, पहली दो गेंदों से 10 रन खर्च किए गए, अब दो गेंदों में दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे केयूर गामित। मुन्ना गामित को शामिल किया गया है नए बल्लेबाज के तौर पर लायंस स्पोर्ट्स की ओर से।
इस बार हल्के हाथों से खेला गया, धकेला गया गेंद को। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक प्रयास भी किया गया मुन्ना गामित द्वारा हैट्रिक से दूर रखने का। काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज है लायंस स्पोर्ट्स की ओर से मुन्ना गामित। इस बार सामने अंकुर गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है प्रारंभिक ओवर से केयूर गामित ने। इस बार स्वीप किया गया, गेंद जा रही है, देखिए वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। चार रनों का इशारा अंपायर द्वारा। इन चार रनों के साथ पहले ओवर से 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर लायंस स्पोर्ट्स। अब दूसरे क्रम के महत्वपूर्ण गेंदबाज दिनेश गामित को शामिल किया गया है बेलाटेन फाइटर्स की ओर से। सामने बल्लेबाज मुन्ना गामित, नौ स्ट्राइक एंड पर अंकुर। पीछा किया जा रहा है 89 रनों का। लॉफ्ट खेला गया है, यहाँ पर गेंद जाती हुई स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। चार रनों का इशारा अंपायर द्वारा। चार रनों के साथ स्वागत किया जा रहा है मुन्ना गामित द्वारा दिनेश गामित का। इन चार रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। इस बार क्या खूबसूरत स्लॉग स्वीप, गेंद गई इस बार का ऑफ कॉर्नर की दिशा में। चार रनों का इशारा अंपायर द्वारा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। डीप मिडविकेट के स्थान पर एक फील्डर को तैनात किया जा रहा है। अर्पित फील्ड करे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। इस बार लॉफुल टॉस गेंद, बाहरी किनारा जरूर लगा था। डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद, रुका हुआ स्कोर 23 रन। पारी का ही ओवर नंबर 2। गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है दिनेश गामित ने। इस बार स्ट्रेट ड्राइव, वन बाउंस बाउंड्री। चार रनों का इशारा अंपायर द्वारा। इन चार रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। खूबसूरत बल्लेबाजी वहां पर मुन्ना गामित द्वारा। इस बार स्वीप किया गया, गेंद गई वहां पर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। वहां पर रन आउट होने का जरूर खतरा था। क्या खूबसूरत फील्डिंग शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर द्वारा। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन।
कूलर लैंड डिलीवरी इस बार ड्राइव करने का प्रयास जरूर किया गया था। वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, नौ बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। अतिरिक्त रन जोड़ी जाएगी स्कोर कार्ड पर। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29। फ्री हिट रहेगी दूसरे ओवर की ये अंतिम गेंद। सामने बल्लेबाज अंकुर। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला गया, डाउन द ग्राउंड खेला गया, गेंद गई वहां पर लॉन्ग मिड ऑफ के स्थान पर। इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति पर लाइन स्पोर्ट्स है 30 रन दो विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन खोल दिए जाएंगे। 30 गज के बाहर 5 खिलाड़ियों को तैनात किया जाएगा। प्रताप चौधरी को शामिल किया गया है तीसरे क्रम के महत्वपूर्ण गेंदबाज के तौर पर। सामने बल्लेबाज अंकुर। अंकुर के लिए एक डीप थर्ड मैन, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये फील्ड की सजावट की गई है। कट किया गया है, गेंद जा रही है वहां पर डीप पॉइंट की दिशा में। क्या खूबसूरत फील्डिंग, काफी तेजी से आए वहां पर सेल्विन मौजूद। काफी बेहतरीन फील्डर है सेल्विन का मिड बेला टेंस की ओर से। अब दिनेश को शामिल किया गया है डीप कवर्स के स्थान पर। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अर्पित। इस बार हुक करने का प्रयास जरूर किया गया था, टाइम नहीं कर पाए गेंद को। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पर प्रताप चौधरी द्वारा। कोटे का पहला ओवर, पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क पर। यॉर्कर लैंड डिलीवरी इस बार एक और बार हल्के हाथों से ड्राइव किया गया, गेंद गई वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। दिनेश, क्या खूबसूरत फील्डिंग वहां पर। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33-33 रन। पारी का ही ओवर नंबर 3। अब सामने मुन्ना गामित। एक रन के लिए काफी तेजी से निकल पड़े, देखिए क्या खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। बार वाइड यॉर्कर, खूबसूरत गेंदबाजी, सटीक लाइन पे गेंदबाजी की जा रही है। देखिए वहां पर प्रताप चौधरी द्वारा डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद। रुका हुआ स्कोर 34-34 रन।
इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प किया गया है, गेंद जा रही है वहां पर फर्स्ट स्लिप के स्थान पर, कोई रन नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति पर रुका हुआ स्कोर 34 लायंस फॉर सोनगढ़ 2 विकेट के नुकसान पर। गुड लैंड डिलीवरी इस बार वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, बल्ले से दूर रखने के प्रयास में इस बार दिशा से भटके, अतिरिक्त रन जोड़ी जाएगी स्कोर कार्ड पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35, गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है चौथे ओवर से के उर्गामित ने, सामने मुन्ना। स्लोअर डिलीवरी देखिए क्या खूबसूरत गेंदबाजी की जा रही है, सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की गई इस बार। कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क पर। कोटे का पहला ओवर करते हुए केवल 15 रन खर्च किए गए थे, 2 सफलताएं हासिल की गई थी केयूर गामित द्वारा। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी इस बार खूबसूरत कैच लिया गया, देखिए वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। इस प्रकार 35 रनों पर लगने वाला ये तीसरा विकेट लायंस फॉर सोनगढ़। फील्ड के अनुरूप गेंदबाजी की गई, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी दी गई, हुक जरूर किया गया था, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बैकवर्ड के स्थान पर। अपना विकेट गवाया मुन्ना गामित ने, 15 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। प्रतीक आए नए बल्लेबाज के तौर पर लायंस स्पोर्ट्स की ओर से। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और एक बार डाउन द ग्राउंड गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर, दिनेश मौजूद। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 36 रन।
इस बार हुक किया गया, गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग लेग के स्थान पर, चार रनों का इशारा एम्पायर द्वारा। इन चार रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर लायंस पर सोनगढ़ 40 रन। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी इस बार रिवर्स खेला गया, गेंद जा रही है वहां पर थर्ड मैन के क्षेत्र में। क्या खूबसूरत फील्डिंग वहां पर सेल्विन द्वारा, क्या खूबसूरत फील्डर है, एक युवा फील्डर को शामिल किया गया है बेलाटन फाइटर्स की ओर से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41-41 रन। इस बार बेहतरीन ऑफ ड्राइव ऑन ड्राइव, गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खूबसूरत फील्डिंग वहां पर अर्पित द्वारा। इस बीच ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति पर लायंस स्पॉट 42-42 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर के बाद लायंस स्पॉट सोनगढ़ 42-42 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पीछा किया जा रहा है 89-89 रनों का। अब 24 गेंदों में 47-47 रनों की जरूरत। सामने बल्लेबाज प्रतीक, नॉन स्ट्राइक एंड पर अंकुर, गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच संभाल रखी है दिनेश गामित ने। कोटे का उनका यह दूसरा ओवर, पारी का पांचवा ओवर लेकर आए हैं। पाउल को शामिल किया जा रहा है डीप मिड विकेट के स्थान पर, डिफाइन लेग के स्थान पर सेल्विन। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, देखिए वहां पर मौका जरूर बना था, विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए। डॉट गेंद के साथ इस बीच ओवर की शुरुआत की जा रही है, रुका हुआ स्कोर 42। लो फुल टॉस गेंद, इस बार अंदरूनी किनारा लगा जरूर था, देखिए खूबसूरत गेंदबाजी, सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की जा रही है अनुभवी गेंदबाज दिनेश गामित द्वारा। इस
बार पंच करने का प्रयास जरूर किया गया था, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा दिशा से भटके अतिरिक्त रन जोड़ी जाएगी स्कोर कार्ड पर। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी इस बार ऊंची जरूर गई है, देखना होगा। खूबसूरत कैच लिया गया वहां पर शॉट फाइन लेग के फील्डर प्रताप चौधरी द्वारा। इस प्रकार 43 रनों पे लगने वाला ये तीसरा झटका लायन स्पोर्ट्स द्वारा। रनों पे ये चौथा विकेट का पतन होता हुआ लायंस पर सोनगढ़। पारी का ये ओवर नंबर 5, गेंदे हुई है 3। खूबसूरत गेंदबाजी, इस बार टप्पा खाने के बाद पैरों से टकराती हुई गेंद डॉट गेंद में तब्दील होती हुई रुका हुआ स्कोर 43। अविनाश आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर, गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है दिनेश कामित ने। नौ बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, देखिए फ्रंट फुट नौ बॉल, अतिरिक्त रन जोड़ी जाएगी स्कोर कार्ड पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। एक और बार नौ बॉल, इस बार 4 रनों का इशारा, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी, नौ बॉल दिया गया है। इन 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता है 49 रन, नौ बॉल का अतिरिक्त रन भी जोड़ा जाएगा। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी यहां पर, देखिए स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला गया, जमीन के समानांतर रूप से गेंद गई वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। इस एक रन के साथ लायन स्पोर्ट सोनगढ़ 50 रन बनाती हुई स्कोर जा पहुंचा है 50 रन।
पर वाइड यॉर्कर बाहरी किनारा लगता हुआ, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा देखिए। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता 51-51 रन। अब ये फ्री हिट रहेगी, रिवर्स स्वीप खेला गया, गेंद जा रही है ऊपर डीप पॉइंट के स्थान पर, चार रनों का इशारा अंपायर द्वारा। इस बीच ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 55-55 रन, चार विकेट के नुकसान पर लायंस स्पोर्ट्स। अब 18 गेंदों में 34-34 रनों की दरकार लायंस स्पोर्ट्स को इस मैच को जीतने के लिए। अब 18 गेंदों में 34 रनों की दरकार है लायंस स्पोर्ट्स को इस मैच को जीतने के लिए। यॉर्कर लैंड डिलीवरी डाउन द ग्राउंड, गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक कि फील्ड किया गया और हम थ्रो दिया गया तब तक दो रन, क्या खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पर। इन दो रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57-57 रन। अब 17 गेंदों में 32-32 रनों की दरकार। बार कट करने का प्रयास जरूर किया, दिशा से पटके व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद। स्कोर इस अतिरिक्त रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 58-58 रन। पारी का ये ओवर नंबर 6, गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है सेल्विन ने। फुलर लैंड डिलीवरी, यह बेहतर गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद। इस बार बाहरी किनारा हवा में जरूर रही थी गेंद, गेंद गई वहां पर स्लिप की दिशा में, केवल एक रन। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59-59 रन। अब 15 गेंदों में 30 रनों की दरकार लायंस स्पोर्ट्स को इस मैच को जीतने के लिए। यॉर्कर लैंड डिलीवरी इस बार पंच किया गया, गेंद गई वहां पर शॉट एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, खूबसूरत फील्डिंग वहां पर शॉट एक्स्ट्रा कवर्स के फील्डर पाउल द्वारा।
इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। इस एक और बार डाउन द ग्राउंड शॉट खेला गया, गेंद गई वहां पर काउस कॉर्नर की दिशा में, बेहतर फील्डिंग वहां पर। स्कोर जा पहुंचा है 62, 62 रन। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी इस बार अपील की जा रही है, टॉप एज, खूबसूरत कैच लिया गया वहां पर। 62 रनों पे लगने वाला ये पांचवा झटका। इस बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर रुका हुआ स्कोर 62, 62 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में 27, 27 रनों की दरकार। अब 12 गेंदों में 27 रनों की दरकार, स्कोर जा पहुंचा है 62, 62 रन, 12 गेंदे 27 रन। प्रताप चौधरी को शामिल किया गया है, 7वां ओवर उनका कोटे का, ये दूसरा ओवर पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर पारुल गामित। 12 गेंदों में 27 रनों की दरकार है लायंस स्पोर्ट्स को इस मैच को जीतने के लिए। इस बार टप्पा खाने के बाद पैरों से टकराती हुई गेंद, देखना होगा, सुनिश्चित करना जरूर होगा वहां पर। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, इस बार गेंद हवा में जरूर गई है, देखना होगा। खूबसूरत एफर्ट वहां पर, क्या खूबसूरत कैच लिया गया अर्पित द्वारा। इस प्रकार 62, 62 रनों पे लगने वाला ये छठा झटका लायंस स्पोर्ट्स को, बेहतरीन कैच लिया गया, देखिए वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी अप्पू द्वारा। विपुल आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर लायंस स्पोर्ट्स की ओर से। अब 10 गेंदों में 27 रनों की दरकार है।
फुलर लैंड डिलीवरी, एक रन की मांग जरूर की गई, वहां पर कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी वहां पर अभी भी रुका हुआ, स्कोर 62-62 रन। पारी का ये ओवर नंबर 7, गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है प्रताप चौधरी ने। अब 9 गेंदों में 27 रनों की दरकार। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी इस बार पुल किया गया, गेंद जा रही वहां पर डिप स्क्वायर लेग की दिशा में। इस एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 63-63 रन। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया है, गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑन के स्थान पर। जब तक कि फील्ड किया गया ओवर आर्म थ्रो दिया जाए तब तक एक रन। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 64-64 रन। अब 7 गेंदों में 25-25 रनों की दरकार। लो फुल टॉस गेंद, स्ट्रेट ड्राइव, 6 रनों में तब्दील होती हुई गेंद। इस बीच अब ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदों में 19 रनों की दरकार लायंस स्पोर्ट्स सोनगढ़ को। स्कोर जा पहुंचा है 70 रन। 6 गेंदों में 19 रनों की दरकार। सेल्विन आए हैं कोटे का दूसरा ओवर पारी का अंतिम ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर। अब 6 गेंदों में 19 रनों की दरकार है। फुलर लेंथ की गेंद वहां पर भारी किनारा लगा, खूबसूरत फील्डिंग की गई वहां पर गली के स्थान पर प्रताप चौधरी द्वारा। 5 गेंदों में 18 रनों की दरकार। लो फुल टॉस गेंद, क्या खूबसूरत लॉफ्टेड ड्राइव, 6 रनों में तब्दील होती हुई गेंद। इन 6 रनों के साथ लायंस स्पोर्ट्स 77 रनों पे जा पहुंची। अब 4 गेंदों में 12 रनों की दरकार। अब यह रोमांचक मोड़ पर मैच। अब 4 गेंदे 12 रन। इस बार ऊंची गई है, खूबसूरत कैच लिया गया, देखिए वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर पाउल द्वारा बेहतरीन कैच। सतहत्तर रनों पे लगने वाला ये 7वें विकेट का नुकसान
लायन स्पोर्ट्स को अब 3 गेंदों में 12 रनों की दरकार है। न्यू बैट्समैन बैट्समैन जिग्नेश ओके क्या खूबसूरत गेंदबाजी देखे वहां पर। डॉट गेंद में तब्दील होती हुई गेंद वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। अब 3 गेंदों में 11 रनों की दरकार। खूबसूरत वहां पर इस बार ऑन ड्राइव ऑफ ड्राइव वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक। स्कोर जा पहुंचा है 84 रन। अब 2 गेंदों में 5 रनों की दरकार। 2 गेंदे 5 रनों की दरकार लायंस स्पोर्ट्स सोनगढ़। लो फुल टॉस गेंद स्ट्रेट ड्राइव किया गया है गेंद जा रही है देखिए वहां पर 4 रनों का इशारा अंपायर द्वारा। ये तख्ता पलट होता हुआ देखिए अब स्कोर समानांतर हो गया है। अब 1 गेंद 1 रन। कुछ हल्की सी मंत्रणा होने जा रही है वहां पर दोनों ही बल्लेबाज जिग्नेश और पारुल गामित के बीच। 1 गेंद 1 रन। सभी फील्ड क्लोज की कर दी गई है देखिए अब। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा अतिरिक्त रन के साथ मैच को जीता जा रहा है देखिए लायन स्पोर्ट्स द्वारा। क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल्स के लिए लायन स्पोर्ट्स अतिरिक्त रन के साथ मैच को जीता जा रहा है लायन स्पोर्ट्स द्वारा। लाइन स्पोर्ट्स की ओर से अंकुर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मैन ऑफ द मैच के लिए और लाइन स्पोर्ट्स के कप्तान भी जल्द से जल्द आ जाए। फाइनल्स के लिए चीट से डिसीजन लिया जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए। विश्वजीत इलेवंथ मान्या इलेवंथ और लायंस इनेवल्स के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए सेमीफाइनल्स के लिए
चिट्ठी उछाली जाएगी और लायन स्पोर्ट्स के अंकुर जल्द से जल्द मैन ऑफ द मैच के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए।